शुक्र का तप करूंगा और उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगूंगा। सर्वलोकेश्वर निखिल कामप्रद शिव द्वारकाधीश को इस तप की क्या जरूरत है, ये आदर्श हमारे लिए उन्होंने इसीलिए रखा, मनुष्य को तप जरूरी है साधना की। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया और भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा आप सर्वलोक महेश्वर और सारी सृष्टि की उत्पत्ति के हेतु हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने में सर्व समर्थ हैं, सभी को वर देने में परम श्रेष्ठ हैं, फिर भी आप मेरी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपने मेरी वाणी को सत्य करने के लिए ही ये तप किया है। क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, शिव पुराण में ये कथा है, और जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति कहने लगी मेरे पति का तो कोई दोष नहीं था, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने आप पर बाण चलाए तो आप काम से पीड़ित हुए। तो भगवान शिव ने कहा था कि जब इष्ट देव का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति पुनः जीवन पुनः शरीर धारण करेंगे। तो भगवान शिव कह रहे हैं हे सर्व लोकनाथ आपने मेरे वचनों की पुष्टि के लिए ये तप किया है। तो महाराज वरदान दिया और समय आने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रधान पट्ट महिषी ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। द्वारका में मानव महोत्सव का महासागर उमड़ गया। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के जन्म का महोत्सव चल ही रहा था कि सातवें दिन की अर्धरात्रि के समय मायावी शंबरासुर जो है सोई हुई रुक्मिणी के अंग से शिशु को उठाकर ले गया और सात दिन के शिशु को आकाश से ही समुद्र में ऐसे फेंक दिया जहां बड़े बड़े मत्स्य रहा करते थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। शंबरासुर को पता चल चुका था कि कृष्ण के पुत्र से ही मेरा वध होगा। जैसे उनको पता लगा कि कृष्ण के पुत्र हुआ है तो देखो सातवें दिन ही पुत्र को चुरा लिया और कहां फेंक दिया, समुद्र में जहां बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं। तो एक मछली ने शिशु प्रद्युम्न को निगल लिया। इधर रुक्मणी जी की आंख खुली तो शिशु शैया पर नहीं रहा। द्वारिका में चारों तरफ शोर मच गया और महादेवी रुक्मणी के नवजात शिशु को कोई मायावी राक्षस ले गया है। चारों दिशाओं में शिशु को खोजा गया लेकिन कोई सूत्र नहीं मिला। तो भगवान महारानी रुक्मणी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम शोक को त्याग कर दो हे देवी, उसके लौटने पर देर हो सकती है पर सब कुछ मंगल होगा, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा पुत्र भी मर नहीं सकता। बोलो राधे राधे। मुझे विश्वास है जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही फल मिलता है। मतलब मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया तो मेरे पुत्र का अहित कैसे हो सकता है। कर भला तो हो भला, इसलिए जीवन में कभी भी लालच में आकर के पूरा कार्य नहीं करना। और देखिए मछली ने निगल लिया है, वो मछली जाल में फंस गई, मछली पहुंच गई शंबरासुर की रसोई में, वहां पर सोइयों ने मछली को काटा तो ये कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न जीवित है। प्रेम से बोल राधे। अब जो रसोई में कार्य करती थी वो रति ही थी, जो सेविका बन करके इंतजार कर रही थी उसको भी पता लग गया था देवताओं से ब्रह्मा जी से कि मेरे पति जो हैं वो यहां पर मुझे प्राप्त होंगे। तो इस सेविका ने, इस रति ने
अपने पति का लालन पालन किया और बाद में इन्हीं प्रद्युमन के द्वारा शंबरासुर का वध हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर कथा है। प्रद्युमन और शंबरासुर की कथा के बाद भगवान जी के दूसरे विवाह का वर्णन आता है। काल में हंस रहा था कि जब बलराम जी का विवाह हुआ, बलराम जी की पत्नी का क्या नाम बताया था? रेवती के साथ विवाह हुआ तो भगवान भी सोचने लगे मेरा भी विवाह होना चाहिए, लेकिन कोई रिश्तेदार रिश्ता कराता ही नहीं है, कहीं से बात ही नहीं चलती और मेरा रिकॉर्ड भी थोड़ा खराब ही है, इसलिए शायद रिश्ता कोई ना देता हो। कल सुनाया था ना, अब वो बात देखो आपके सामने आ रही है। अरे भाई भगवान ये रिकॉर्ड को छोड़ो, भगवान के विवाहों के बारे में सुनो। हमारे प्राचीन भारत में बहु विवाह का प्रचलन था। बहुत सारे विवाह किए जाते थे। वसुदेव जी के कितने विवाह बताए थे मैंने, बोलो। वसुदेव के देखो कंसा कंसवती कंका शुरू राष्ट्रपालिका, जो कंस की सगी बहनें थी वो सब वसुदेव को ही ब्याही गई थी है? और साथ में ये रोहिणी थी, छह विवाह तो अभी हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ तो अब भगवान जी के विवाहों का ढेर लगेगा भाई, मजाक नहीं बनाना है। देखो किन से भगवान के विवाह हुए हैं ये समझना है बस, भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। राजा सत्राजित हुए, सत्राजित ने सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। सत्राजित राजा को एक सयमंतक मणि दी, ध्यान दीजिए, ऐसी मणि दी जो प्रतिदिन डेढ़ भार सोना देती थी सत्राजित को। आपको मिल जाए ना ऐसी मणि, सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बार सत्राजित राजा ने वो मणि पहनी थी, भगवान कृष्ण साथ में बैठे थे और भगवान ने पूछ ही लिया, हे राजन ये कैसी मणि है, इस मणि का नाम क्या है? सत्राजित ने सोचा ये भगवान है, सर्वेश्वर है, इनसे कैसे पाना, सब कुछ बता दिया। बोला महाराज ये मेरी उपासना का फल है, डेढ़ बार सोना देवे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोला तब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी। चलो वो बात वहां पर खत्म हुई।
सत्रजीत राजा एक बार जब बैठे थे तो उनके भाई प्रसेनजीत आए और प्रसेनजीत ने कहा, भैया आज के दिन मुझे ये मणि दे दो, मैंने भी पहननी है ये मणि। प्रेम से बोलो सच्चेत रबा। अपने छोटे भाई को इनकार नहीं कर पाए सत्रजीत, माफ करना आज आपकी तरह मुझे भी नींद लगी हुई है, क्योंकि एक डेढ़ बजे तक तो यहाँ चल रहा प्रोग्राम, अब जब गया सोने तो वो आ गए नाचने वाले, क्या बोलते मंडली वाले, क्या चंद्रौली आया है। मैं बोला आज ही आना था तुमने भी, तो चंद्रौली वाले आ गए, वो नाचे, वो पता नहीं झांझर पहनी थी, क्या घुंघरू बांध देते, छाना छानी लगी रही, मुझे डर लग रहा था पता नहीं कौन है। मैं कमरे को बार बार अपनी ना जो खिड़की थी वो बार बार बंद करूं, दरवाजा देखो छन छन कैसी लगी हुई आज। प्रेम से बोलो राधे राधे। सोए नहीं अभी तो आपकी आंखें भी छोटी छोटी दिख रही हैं मेरे ख्याल से, आपको चंद्रमा क्या बोलते हैं इन बालों ने भी सोने दिया होगा। जिनके पास नहीं आए वो तो किस्मत वाले हैं ना। और फिर ऐसे होगी सुबह तो वैसा होता है कि नींद में ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कथा क्या सुना रहा हूं। राधे राधे। अगर थोड़ा शब्दों में हेर फेर हो तो समझ लीजिए कि पंडित जी आज थोड़े है? सो नहीं रहे, व्यास जी थोड़े थके हैं। आइए एक मीठा सा भजन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गुणगान कर लें। बड़ा अच्छा भजन है, हो सकता है आपके कीर्तन को सुन करके मेरी नींद थोड़ी भाग जाए। प्रेम से बोलो भगवान के भी हरि लाल की। भगवान के दूसरे विवाह की कथा अब सुनाई जा रही है। हो फूला बेच के गुजारा करे ना हो रहना शाम तेरी नगरी। फूला बेच के गुजारा करे ना हो रहना शाम तेरी नगरी। आवाज नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। जोर से Oh,
तेरी नजर में द्वारकाधीश पूछ रहे थे हो न हो उन्हीं ने मेरे भाई को मार दिया है और मणि कृष्ण भगवान के पास है। और देखो भगवान को चोरी का कलंक लग गया। ये कलंक इसीलिए लगा था, भूल से भगवान ने भी वो कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखा था।
कहते हैं कि उस चंद्रमा को अगर देखते हैं तो साल में कोई ना कोई झूठा कलंक लग जाता है। अगर वो चंद्रमा देख ले तो उसका निवारण है, तुरंत निवारण करना चाहिए। ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ भागवत में लिखी गई, इस कथा का पाठ करना चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और निवारण हो जाता है, उपाय हो जाता है। एक बार मैंने भी देखा था, याद नहीं रहा, चली गई यहाँ चली गई। अब बोले जी किसी को पत्थर मारो, गाड़ियां सुनो, ये बोला भैया और बुरा करना, पहले एक गलती हो गई, गालियां सुनना कोई उपाय नहीं। इस कथा को पढ़िए और इस कथा को पढ़ने के बाद चंद्र को अर्घ दे और चंद्रमा सौम्य हो जाते हैं। देव से बोलो राधे राधे। भगवान ना करे हमारे जीवन में कभी कोई कलंक लगे, इस कथा को सुनाने का यही मेरा भाव है, क्योंकि कलंक काजल से भी काला माना गया है, जो कभी साफ नहीं होता। ये परीक्षित, भगवान को चोरी कर झूठा कलंक लगा दिया संसार में, भगवान जी को पता लगा, अब ये बात फैली कहां, एक कान से दूसरे कान, दूसरे तीसरे, पूरी द्वारिका में, यहां तक पृथ्वी पर ही फैलने लग गई। भगवान जितना कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसके बारे में बात एकदम से फैल जाती है। हे परीक्षित, भगवान अपने माता पिता से आके लेते हैं, मणि की खोज करने के लिए जाते हैं। और ढूंढते ढूंढते उस मणि तक पहुंच गए। उस गुफा के बाहर अपने सैनिकों को खड़ा किया, किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी और स्वयं अंदर गए। और कहते हैं कि जैसे अंदर गए तो जामबान के साथ भगवान जी का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जामबान कौन है? भगवान के परम सेवक है, लेकिन जामबान को ये पता नहीं था कि ये मेरे भगवान का अवतार हुआ है। अज्ञानता बस जामबान कृष्ण को भगवान नहीं पहचान पाए और युद्ध करते गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ, भगवान गुफा से बाहर नहीं आए तो सारे सैनिक घबरा गए। वो जाकर के देवकी वसुदेव को समाचार देते हैं कि भगवान गुफा में गए हैं, वापिस नहीं आए हैं। देवकी वसुदेव जी ने उस समय ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से देवी का महायज्ञ करवाया। 21 दिनों तक युद्ध चला था। जब 21वां दिन अर्थात उस महायज्ञ की पूर्ण आहुति, ये 9 दिन का यज्ञ होते हैं देवी का, श्रीमद देवी भागवत, ये करवाया था देवकी और वसुदेव ने, जो विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं, करवाते हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। मान लो आपने विजय प्राप्त करनी है तो देवी भागवत एक बड़ा सरल उपाय है। जैसे देवी भागवत की कथा हुई, पूर्ण आहुति पड़ी तो देखो जामबान ने पहचान लिया। जैसे भगवान के बक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दिखाई दी, एकदम से पहचाना। चरणों में गिर गए। चरणों में गिरने के बाद हे प्रभु मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। जामबान ने बड़ी अच्छी स्तुति की।
सागर प्रभु सिद्धार्थ सदारो हर्ष्यन् हरि। जहां बाण ने वो सेवंत कमणि भगवान को दी और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जो भगवान पर हाथ उठाया था, भगवान से युद्ध किया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती भगवान को प्रदान की है कि मैं अपनी पुत्री को आपकी सेवा में देना चाहता हूं। और भगवान ने वो स्वीकार किया। भगवान ने देखो एक रीछणी के साथ भी विवाह किया। जामवंती एक रीछणी थी, इतने परम दयालु भगवान ही हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। इसी का नाम भक्ति है। भगवान सत्यभामा को लेकर के सकुशल लौट आते हैं। देव की वसुदेव ने शुभ आशीर्वाद दिया। भगवान उस मणि को लौटाने के लिए सत्राजित राजा के पास भी गए और सत्राजित राजा को जब सच्चाई का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो भगवान पर शक किया, भ्रम किया, ये मेरा जघन्य अपराध है, ये तो महापाप है, हाय अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं। सत्राजित राजा ने वो मणि भगवान को देनी चाहिए। सत्राजित की बड़ी सुंदर कन्या थी राजकुमारी सत्यभामा। अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित सत्यभामा की कन्या दान को देकर के सत्राजित राजा ने किया था। और इस प्रकार भगवान का ये तीसरा विवाह भी हुआ। देखो तीसरा विवाह किन के साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। तो इसके बाद तो ठाकुर जी के विवाहों की झड़ी लग गई। परीक्षित का मन रोमांच से भर रहा है भगवान के विवाहों की कथा को सुन सुनकर। भाई जहां भी भगवान जाते बस पत्नी लेके ही आते थे। सर्व कला संपूर्ण। अन्य विवाहों का वर्णन अगर मैं करने लगू ना तो बहुत समय लगेगा। 7 दिन तो विवाहों में चले जाएंगे। कैसे विवाह हुआ? लेकिन मैं हाँ ये जरूर बता दूंगा कि उनकी जो प्रमुख पटरानियां हुई वो कौन कौन है। ये जो प्रमुख पटरानियां हुई हैं ये ही भगवान जी की 8 प्रकार की प्रकृति। प्रेम से बोलो राधे राधे। 3 विवाहों का वर्णन मैंने सुना दिया। चौथा ही जो उनकी पत्नी बनी वो राजकुमारी कालिंदी थी जो ठाकुर जी की बुआ की बेटी थी। और जो 5वीं थी वो थी राजकुमारी मित्र वृंदा। ये भी प्रमुख पटरानी हुई। 6ठी जो थी वो उसका नाम सत्या था, राजकुमारी सत्या। भाई एक से एक बढ़ करके था। और जो 7वीं थी वो थी राजकुमारी भद्रा। और जो 8वीं थी वो थी राजकुमारी लक्ष्मणा।
ये प्रमुख आठ पटरानियां हुई है भगवान। और ऐसे ही कईयों ने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान को ये कन्यादान किया है और भगवान इनकार नहीं कर पाए क्योंकि प्रथा भी थी, बहुविवाह की प्रथा भी थी। जिसकी ज्यादा पत्नियां होती उसे बड़े शक्तिशाली राजा की गिनती में गिना जाता था। बोलो राधे राधे। हाँ सुना नहीं है, कहीं मजाक कर रहे हैं। मजाक सोच रहे हैं। सर्व कला निखिलेश्वर है। देखो भगवान ने जो पहला अवतार लिया, मैंने कल भी बोला था, परसों बोला था कि पहले राम अवतार की कथा सुनो तब कृष्ण अवतार की कथा समझ में आती है। अगर राम अवतार की कथा का चश्मा आंखों पर लगा होगा तभी समझ आएगा कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। भगवान के विवाह कोई साधारण कन्याओं से नहीं हुए अपितु आठ प्रकार की प्रकृति से हुए। अब इसके बाद आठ पटरानियों के अतिरिक्त कथा आती है। परीक्षित जी ने पूछा कि भौमासुर की बंदी गृह में 16,100 राजकन्याएं बंद थी, तो उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने कैसे छुड़ाया? तो भौमासुर दैत्य था जो पराग ज्योतिषपुर का राजा था, पराग ज्योतिषपुर के अत्यंत दुर्गम किले में वो रहता था। गुप्तचरों से भगवान जी को पता चला कि उसने तो जेल में 16,100 राजकुमारियों को बंद करके रखा। लो कर लो बात। सोलह हजार एक सौ राजकुमारियां बंद करके रखना है। ये भी सभी राजकुमारियां एक से एक बढ़ करके थी। अत्यंत सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। गुप्तचरों से पता चला और भगवान ने मन में विचार किया कि उन निर्दोष राजकुमारियों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान तो भला करने के लिए आए थे। ये राजकुमारियां कारागार में भगवान को याद जो किया करती थी। ये प्रभु अब आप ही हैं जो हमें इस दुष्ट से बचा सकते हैं। उसने प्राण लिया था। प्राण क्या था कि जब 1,00,000 राजकुमारियां मेरी जेल में बंद हो जाएंगी तो 1,00,000 विवाह इकट्ठे करूंगा। ये प्राण था। तो अभी उसकी कारागार में 16,100 ही राजकुमारियां बंद थी और भगवान ने आक्रमण किया प्राग ज्योतिषपुर में और उसकी जो 15 क्षौणी सेना थी वो भी समाप्त की तथा भौमासुर दैत्य का भी अंत किया। बाद में भगवान कारागार में बंद हुई उन राजकुमारियों से मिलते हैं, उनको छुड़ाते हैं और उनको स्वतंत्र कराते हैं। राजकुमारियां स्वतंत्र होकर के जाती हैं। सोचा जब हम वापस जाएंगे तो हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न होंगे। देखिए स्त्री का जीवन बड़ा विकट जीवन होता है। अगर स्त्री है, कन्या है, इनके ऊपर थोड़ा सा भी लांछन लग जाए तो उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उनको अपवित्र माना गया। जो दरअसल सरासर गलत है। ये राजकुमारियां बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने स्थान पर लौटी
और जब लौटी तो इनके अपनों ने ही इनको अपवित्र मान लिया, बोला असुर के साथ रह के आई है। जैसे सीता मैया को बोला था ना कि सीता अपवित्र है, रावण के पास रही है, तो वैसे ही जो स्वजन थे उन्होंने इनको आश्रय नहीं दिया, बोला तुम अपवित्र हो, हम तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते। और ये बेचारी 16,100 राजकुमारियां सबकी निगाहों में अपवित्र गिनी जाने लगी, जो कोई भी उन्हें देखता तो कुदृष्टि से देखता। अब बोलो राधे राधे, कोई उनको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब किसी से भी आश्रय नहीं मिला तो ये 16,100 राजकुमारियां द्वारिका में आई। द्वारकाधीश के महलों के बाहर खड़ी हुई, भगवान की सभा लगनी थी, अंदर समाचार आया महाराज वो 16,100 राजकुमारियां सभी इकट्ठी होकर के आई है। मेरे प्यारे भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा से कहते हैं कि देवी आप उन राजकुमारियों से मिलो और उनसे पूछो अब उनको क्या कष्ट है। सत्यभामा जाती हैं, आज्ञा पाते ही 16,100 राजकुमारियों से प्रेम भाव के साथ मिली। जब 16,100 राजकुमारियों ने अपना दुखड़ा सुनाया, सत्यभामा के नेत्रों से आंसू की धारा निकलने लग गई। सत्यभामा ने बाकी 7 पटरानियों को बुलाया, सभी जो मुख्य पटरानियां थी इकट्ठी होकर के मंत्रणा करती हैं, अब क्या हो सकता है, इन सभी का प्रबंध रहने का खाने का कौन करे, अगर इनका विवाह नहीं होता है तो इनको कलंक पहले लगा हुआ है, इनका विवाह भी होना चाहिए और विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आजकल का समय होता तो शादियां हो जाती है, जो लड़कियों की कमी है ना, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। इसलिए 8 पटरानियां भगवान द्वारकाधीश के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, हे नाथ आप सर्वकला संपूर्ण जगदीश्वर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। विवाह से पहले भी तो आपकी 1000 सखियां थी, रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं था। फिर भी देखो आपने हमें सहारा दिया, तो हम चाहती हैं कि संसार में आप ये दिखा दें जिनका कोई नहीं होता उनके आप बन जाते हैं। सभी 8 मुख्य पटरानियों ने प्रार्थना कर दी। आजकल की कोई पत्नी होती तो क्या बोलती कि आप शादी कर लो, सच सच बोलो शादी, पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन देखिए इन 8 पटरानियों ने प्रार्थना की और द्वारकाधीश भगवान जी जो हैं वो उनकी जिद को मान जाते हैं और 16,100 विवाह भगवान के हुए विवाहों की झड़ी लग गई। तो ये जो 16,100 राजकुमारियां थी ये मंत्रों की ऋचाएं हुई है। पूछूंगा मैं शायद
कि किन के साथ भगवान की विवाह हुए हैं, ये कौन थी, ये कौन बनी है। ऋचाएं मंत्रों की ऋचाएं हैं, कोई साधारण कन्याएं नहीं है। ये इतनी राजकुमारी है, ये भी कारागार में तपस्या ही तपस्या करती थी, भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं भैया जो तप में लीन रहते हैं। तो चुंगल से छुड़ा दिया और अपनी सेवा में भगवान जी ने इनको लिया। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण की संतति का आगे वर्णन आता है। अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, ये इत्यादि कथा आती है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भागवत में संकलित की गई हैं। इसके बाद आता है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या कैसी बीतती थी, कब दरबार लगता था, कब भगवान चौसर खेलते थे, कब पत्नियों से मिलते थे। भाई समय तो चाहिए था, 16,108 पत्नियां थी, 15-15 मिनट भी देने हो बात करने को तो कितना समय लगता। तो ये भी वर्णन है भगवान का दरबार कब लगता था। और अयुते ते शता न्यस्टो लीलिया युद्धि निर्जिता ते निर्गिता गिरि द्रोणिया मलिना मल वास सह। पांडवों के हाथों से राजसूय यज्ञ करवाना, राजसूय यज्ञ में भगवान ने वो कार्य करके दिखाया जिसे देख करके संसार आश्चर्य में पड़ गया। जिनको भगवान मानते हैं उन्होंने जूठी पतलों को उठाने का काम किया, सबको काम बांटे, अपने लिए काम रखा जूठी पतलों को उठाने का। और जो जूठी पतले यज्ञ में उठाई, यज्ञ का आधा फल ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। ये नारायण यज्ञ है, महायज्ञ है। यहां पर अगर आप छोटे से छोटा काम भी कर देते हैं ना, उसका भी महान पुण्य प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में शिशुपाल जी का अंत हुआ, क्योंकि अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की होने लगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और शिशुपाल तो भगवान के वैसे बुआ के पुत्र थे, मगर आपस में बैर था। तो 100 अपराध क्षमा करने के लिए भगवान ने कहा था, वचन दिया था। अब शिशुपाल दुर्वचन कहने लगे, भगवान गिनती करने लगे। जब 100 बार भगवान को भला बुरा बोल दिया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये शिशुपाल कौन है, दंत वक्र कौन है? ये वही है भगवान के पार्षद जय और विजय, 3 जन्मों तक राक्षस होने का जिनको शाप मिला था। इस लीला में भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से देखो इन दोनों को अपने परम धाम में स्थान दिया। अब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, सत सनातन धर्म की। और इसके बाद कथा आती है भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा की। कृष्णस्यासीत् सखा
काश्चित् ब्राह्मणो वेदवित्तम् विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कथा में पहले भी आया है, जब भगवान पढ़ने के लिए गए थे गुरु जी के पास, तो वहां एक ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई थी जिसका नाम सुदामा था। इकट्ठे सोना, इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे खेलना। उस ब्राह्मण से भगवान की गहरी मित्रता हुई थी। जब भगवान आश्रम से आए थे तो भगवान ने बोला कि हे मित्र सुदामा, कभी ना कभी मथुरा जरूर आना, अपने मित्र को सदा याद रखना। सुदामा ने भी बोला था कि ठीक है मित्र, एक ना एक बार मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तो सुदामा की भी घर गृहस्थी थी। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, नाम से ही सुशील नहीं थी, अभी तो कार्य से भी सुशील थी, बड़ी अच्छी पत्नी प्राप्त थी। बोलिए सच्चे दरबार की। सुदामा बड़े अकिंचन भक्त हुए, जो मिल जाता ना उसी में संतुष्ट रहते थे, वो संग्रह परिग्रह के पचड़े में भी पड़ते थे। कहते हैं कि सुदामा की पत्नी ऐसी थी जो फटा पुराना चिथड़ा कपड़ा मिल जाता उसी से तन ढांप लेती थी। विवाह के बाद उसने कंघी के दर्शन नहीं किए थे। कंघी क्या होती है? सुदामा के पास कंघी थी, बस उंगलियों से बालों को सवारा करती थी। हे परीक्षित, भांडों का भी बर्तनों का भी कोई नाम नहीं था सुदामा के पास। एक सबसे बड़ी जो संपत्ति थी सुदामा के पास अंदर, वो थी एक पूर्वजों का टूटा फूटा पतीला। बाकी चपाती बनाने के लिए तवा तक नहीं था, वही उपले रखने, उपलों के ऊपर सीधे ही चपाती बनानी। फिर भी कभी सुदामा की पत्नी ने अपने पति को ठोकर नहीं लगाई कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। दोनों पति पत्नी उसमें भी प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब सुदामा भगवान कृष्ण का नाम ना लेता हो, उनकी कोई ना कोई कथा ना सुनाता हो। और उस कथा को सुन करके सुदामा की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न होती थी। देखो, हर कभी सहन हो जाती है, लेकिन ना प्रेम होना चाहिए। पत्नी अच्छी हो ना, तो पति तो ऐसे ही बिल्कुल लंबा जीवे, चिंता मुक्त रहे। लेकिन पत्नी अच्छी भी है तो पति चाहे जितना मर्जी मेहनत कर ले, फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। बोलो राधे राधे। पर एक अच्छी पत्नी का मिलना बड़े भाग्यवश ही होता है। बहुत कम होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमारी पत्नी हमारे लिए बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। कुंडलियां मिलान करने के बाद भी कई बार ऐसा बोलते हैं, नहीं शुरू शुरू में तो ठीक थी, लेकिन जब से बच्चे हुए तब से तो बस बात पूछना ही बंद कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। लज्जाशील, दया, क्षमा, पति की आज्ञा, पति की आज्ञा का पालन, पति की सेवा, ये हर पत्नी के लक्षण है। लेकिन चले तो अब मैं इतना तभी सुना रहा हूं कि कभी भी अपनी पत्नी को
या अपने पति को तंग नहीं करता, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। अपने घर को देख करके, अपने पति इच्छा को देखते हुए, उनकी कमाई को देख करके ही कुछ मांगे। ठीक है, आप नहीं बोल रहे ना, कैसे ठीक है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छी बात हो तो चुप हो गई, हमें क्यों बोला, इनको क्यों नहीं बोला? मैंने तो लेने सूट क्यों नहीं लेने, तंग करना तो करना। बड़ी सुंदर कथा है, समय का अभाव है। कहते हैं कि कोई असंतोष नहीं था, कोई कामना नहीं थी, दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। जो झोंपड़ी थी ना, वो झोंपड़ी भी टूटी फूटी थी। जब कहीं बारिश लग जाती तो झोंपड़ी का एक कोना ही सूखा बचता था, उसी कोने में पति पत्नी और बच्चे खड़े हो जाते थे, पूरी रात सोते नहीं थे। छत बनाने के लिए भी कुछ नहीं था। सुदामा को इतनी दरिद्रता थी, अब ये गरीबी क्यों थी? इसका भी कारण वो था, जब सुदामा ने भगवान के हिस्से वाले चनों को भी खा लिया था, जब भगवान के हिस्से वाले चनों को खा गए तो पता नहीं किस किस का क्या क्या खाया था। सोचो ना, जब अपने परम सखा के भाग को भी खा गए तो पता नहीं किस किस का क्या खाया था। अब जो खाया है वो तो भैया देने पड़ेगा, नहीं देंगे तो दरिद्रता होगी। सुदामा का स्वभाव थोड़ा कृपण जैसा रहा है, पहले कंजूस जैसा स्वभाव से थोड़े कंजूस हो, इसीलिए सुदामा के भाग्य में गरीबी की रेखा थी। सब हाथ की रेखाओं का कमाल है। आपके पिता कुछ कमा करके लाए नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं? बोला सभी व्रत करो। बच्चे बेचारे चुपचाप सो गए, भूखे सो गए। माता स्वयं तो भूखा सो जाती है, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं सुलाती, यही तो मां की ममता है। हे परीक्षित, अपने बच्चों को भूखा सोए देख करके सुदामा की पत्नी जाती है सुदामा के पास और चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी। भोलानाथ, एक बार द्वारिका हुआ ये, आजकल आपके जो परम सखा है वो द्वारिका थी सर, मैं आपको आज्ञा नहीं कर रही, मैं बस आपके चरणों में विनती कर रही हूँ, एक बार जाके आइए। मैंने सुना है जो द्वारकाधीश से एक बार मिल जाता है उसकी सारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। आपके वो परम सखा भगवान है, आप क्यों नहीं जाते? बोला देवी, कई बार मेरी इच्छा होती है, लेकिन अब यही सोचता हूं कि वो तो बड़ा राजा बन गया है, पहचाने ना पहचाने। बोला महाराज, ना पहचाने ने तब भी क्या हो जाएगा, ना पहचाने तो आ जाना वापिस। हाँ देवी, ये भी बात सर, ये बताओ अब वहां जाना है, कुछ ना कुछ ले जाना तो पड़ेगा, खाली हाथों ले जाना। ये सारी बातें इसी कारण से मैं जाता नहीं हूं। सुदामा की पत्नी सुशीला चार घरों में गई, चतुरो पुष्टी, चार मुट्ठी चावल चार घरों से मांग करके लाई। एक पुराना सा कपड़ा था उसमें पोटली बांध दी और वो पोटली सुदामा को दी थी और बोला ले जाइए, ऐसी वो बेचारी ब्राह्मणी थी, मेरे सारे चावलों को
चार मुट्ठी चावल वो बांधा, वो भी दे दिया। सुदामा के बाद जो सबसे अच्छा वस्त्र था धोती, वो भी फटी हुई तो थी, कभी नहीं लेते नहीं थे, मौका नहीं मिलता था। वो फटी सी धोती पहनी, नंगे पांव सुदामा अपनी पत्नी की प्रार्थना करने पर चल पड़ते हैं द्वारिका की तरफ। और मन बड़ा प्रसन्न है कि कुछ भी है, कम से कम उनकी नगरी में तो जाऊंगा, अगर कहीं दर्शन हो गए। जो किसी का भाग खाता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है, इस बार मैं वो गलती पुनः नहीं दोहराऊंगा। बहुत गरीबी मेरे जीवन में रही है। जब हम भगवान का हिस्सा नहीं खाते, भगवान को ही रख देते हैं, तो कभी भी जीवन में दरिद्रता नहीं आती, वृद्धि ही वृद्धि होती है। और अगर भगवान के हिस्सा देने में कंजूसी करते हैं, तब जाकर के दरिद्रता आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दसवां हिस्सा भगवान को अर्पण होना ही चाहिए। और सुदामा को नींद आ गई, थोड़ी सी आंख लगी, लेकिन देखो सुदामा आए हैं तो उधर भगवान को पता लग गया है, भगवान को पता लग गया है कि मेरा मित्र सुदामा आ जा रहा है मुझसे मिलने के लिए। भाई कई सालों के बाद, गुरुकुल के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर आप भगवान के लिए एक कदम चलते हैं ना, तो भगवान आपके लिए 10 कदम जरूर चलते हैं। ये कथा पुष्टि करती है। सुदामा सोए हुए थे, भगवान आए, भगवान ने सुदामा को ऐसे उठा लिया सोए सोए और पहुंचा दिया सीधे ही अपनी नगरी, समुद्र के किनारे रख दिया। सोए कहीं और थे, उठे तो क्या देखा, आहो ये कौन सी जगह है, अरे कौन मुझे यहां लेके आ गया। आने जाने वालों से पूछा, उन्होंने बोला महाराज ये द्वारिका नगरी। बोला मुझे किसने पहुंचाया यहां पर, मैं तो कहीं अन्यत्र सोया हुआ था। बोला जी आप तो यहीं सोए थे, आपको गहरी नींद आई हुई थी, सुदामा की समझ में कुछ नहीं आया। तो बोला मैंने मिलना है द्वारिकाधीश जी से। बोला महाराज उनका महल तो वो है समुद्र के बीच में, और समुद्र के बीच में जाना है तो नाव तो चाहिए ना। अब नाव आएगी तो नाव पर बैठेंगे, किराया भी देना पड़ेगा। भगवान को पता है कि मेरे मित्र के पास देने को कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं केवट बन करके आए, नाव लेकर के आए और सुदामा को इशारा किया चलो चलना है। बोला महाराज जाना तो है लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये 4 मुट्ठी चावल है, ये तो मैं अपने मित्र को ले जा रहा हूं। बोला ब्राह्मण हमें महाराज ने आज्ञा दी है कि कोई भी ब्राह्मण अगर मुझसे मिलने के लिए आए तो उससे किसी प्रकार का श्रम मत लेना, किसी प्रकार का किराया मत लेना, बैठिए आपका किराया हमें द्वारकाधीश दे देंगे। फिर क्या था, सुदामा आरूढ़ हुए, भगवान चप्पू चला रहे हैं, नाव चल रही है और भक्त नाव पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं। बोलो ऐसा कोई कर सकता है, भगवान के सिवा हमारा सच्चा साथी कोई नहीं। फिर भी ना जाने मनुष्य क्यों भगवान पर भरोसा नहीं कर पाता, भरोसा क्यों नहीं रखता, भगवान पर ही शंका करने लग जाता है। तब होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सत्संग। भई सुदामा पूछते पूछते देखो पहुंच गए महलों तक, तीसरी ड्यूटी तक पहुंच गए। पहरेदारों ने रोका, सुदामा हाथ
जोड़ के विनती कर रहे हैं, लेकिन पहरेदार सोच रहे हैं, बोले आप उनके मित्र हो ही नहीं सकते, आप उनके सखा हो ही नहीं सकते। अरे जो उनके महलों में सफाई का काम करते हैं वो भी एक राजा की तरह रहते हैं। बोला जो भी लेना है हमसे ले लो, हम देते हैं आपको, लेकिन आप महाराज जी से नहीं मिल सकते। सुदामा निराश हो गए। एक पहरेदार को सुदामा की हालत देख करके दया आई, उसके मन में आया कि एक बार द्वारकाधीश जी को बोलना तो चाहिए। वो जाते हैं और भगवान अपनी पटरानियों के साथ बैठे हैं। कहा प्रभु क्षमा करें, मैंने रंग में भंग किया है, लेकिन आज हमारी दहलीज पर एक अजीब ब्राह्मण आया है, नाम सुदामा बताया है। अभी सुदा ही बोला था, भगवान अपने आप को भी भूल गए। भगवान एक तरफ सत्यभामा को धक्का दिया हटाया, दूसरी तरफ रुक्मणी को बोला हटो हटो, आज मेरा परम मित्र परम सखा आया है। नंगे सिर नंगे पांव भगवान द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं सुदामा को अपने महलों के अंदर लाने के लिए। वह मित्रता हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी, बोलिए सच्चे दरबार सुदामा को भगवान पकड़ करके लाए। पहले तो आलिंगन किया, छाती से लगा लिया। सुदामा लज्जित हो रहे थे, पता नहीं पहचान करेंगे ना करेंगे। अरे पहचान, इतना सम्मान दिया है, सुदामा के चरणों में प्रणाम। बोला ब्राह्मण है, पूजनीय ब्राह्मण होता है, और आप परम ज्ञानवान है। अंदर ले गए, जहां भगवान बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और अपना पीतांबर सुदामा के ऊपर रख दिया। सुदामा के पैरों को धोने लगे, जब पैरों की तरफ देखा, पैरों की वो हालत थी। हे परीक्षित, अनेक कांटे चुभे हुए थे, भगवान उन कांटों को निकालने लगे। भागवत में लिखा गया एक कांटा निकल ही नहीं रहा है, कैसे निकाले भगवान बार बार प्रयत्न कर रहे, नहीं निकल रहा। तो भगवान ने उस कांटे को अपने दांतों से निकाला और फिर सुदामा से मुलाकात हुई। भगवान ने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के पैर धोए थे। पानी परात भरयो पर नैनन जल से धोवे पैर, आंखों के जल परात के पानी का तो स्पर्श नहीं किया, इतना दुख हुआ भगवान को। भगवान मन में सोचने लगे मेरे मित्र की दरिद्रता कैसे दूर होगी। भगवान भी कर्म के वश में है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, फल देने वाले भगवान। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु। अरे हम छोटी छोटी मांग भगवान से करते हैं, हमें भगवान से मांगनी करनी चाहिए। भगवान के लिए कर्म करो, आपकी मांग शायद छोटी हो, भगवान आपको ज्यादा देना चाहे। और मैंने तो ये देखा कि इतना दिया आपने जितनी मेरी औकात न थी, ये तो कर्म है मेरे कान्हा का, मुझ में ऐसी कोई बात न थी। Thank you.
मेरे यार सुदामा रे, मैं घने दिना में आया बता मेरे। अभी बोलिए, बता मेरे यार सुदामा रे, Thank you.
चाहिए थारे तन पहला मैं आना चाहिए थारे तन पहला आना चाहिए थारे तन पहला मैं आना चाहिए थारे तन पहला आना इतना दुख नहीं पड़ता जाना 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 वो सब कार सुदामा जब से विषय वासना मनुष्य के साथ जुड़ी तो मनुष्य चिंतन कम और चिंता ज्यादा करने लग गया। लेकिन जब दुखी होकर के भगवान की शरण में मनुष्य जाता है तो भगवान उसे अपने वैकुंठ में पहुंचा देते हैं और अपने जैसा बनाते हैं। कथा का सारांश ये है, कहते कि सुदामा का जो चावल थे चार मुट्ठी थे, भगवान ने केवल एक मुट्ठी चावल खाए थे। भागवत में एक ही मुट्ठी चावल की बात आती है, वो इसीलिए खाए थे, अगर चावल नहीं खाते तो सुदामा की जो गरीबी की रेखा थी वो नहीं मिट पाती। भगवान ने खाया तो माने सारे ब्रह्मांड ने पा लिया, सबका पेट तृप्त हो गया, तो वो पुण्य मिला सभी ऋषि मुनियों को खिलाने का। भगवान ने तुरंत इतना ऐश्वर्य दिया जितना इस संसार में एक भक्त को दिया जा सकता है। कहीं कहीं पर व्यास जन पता क्या सुनाते हैं कि जी दो मुट्ठी खाई तीसरी रोक ली, अपने लिए भी रखो। अरे भाई भगवान भगवान के पास कभी कोई वस्तु की कमी आ सकती है? भगवान जितना मर्जी बांट दे, भगवान के भंडार सदा भरे हुए हैं, वो कभी खाली होते ही नहीं। भगवान जितना बांटते हैं उतना भगवान के भंडार और भर जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुदामा आए थे उस हालत में, गए भी उस हालत में, लेकिन आगे देखा तो सुदामा की जो झोंपड़ी थी वो तो बड़ा महल बन चुकी थी। सुदामा की पत्नी जो फटे पुराने कपड़ों में थी, चिथड़ों में थी, वो तो भाई सोलह श्रृंगार किए हुए। ये सब मेरे भगवान कृष्ण की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे कृष्ण परम माधवम। आगे भगवान जी की संतति का वर्णन आता है, 161,080 पुत्र भगवान श्री कृष्ण के हुए और उनका जो यदुवंश है वो नाना प्रकार की लीलाएं पृथ्वी पर करता है। लेकिन जब भगवान ने सारे कार्य संपन्न कर लिए तो भगवान, मैंने कहा था इस धरती के वासी नहीं है, वो वैकुंठ धाम के वासी है। तो भगवान ने जाना था, लेकिन जाने से पहले भगवान ने अपने सभी पार्षदों को पहले वैकुंठ दिया, चाहे वो आपस में लड़े हों। वो तो गंधारी का शाप सत्य करना था कि जैसे गंधारी ने बोला था, हे कृष्ण अगर तुम चाहते तो दुर्योधन मेरा कुल ही नष्ट हो गया। बोला आपस में ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देखना एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे वंश वाले भी आपस में युद्ध करेंगे। और ये होना था। गंधारी भी एक पतिव्रता नारी थी जिसने देखो पति जब अंधा था ना तो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, बोला मैं भी संसार को नहीं देखूंगी, पतिव्रता। तो अभिमान बस वो सभी पार्षद भगवान के आपस में युद्ध करने लगे, वो तो लीला कर ली। और हे परीक्षित, बलराम जी जब उनको रोकने लगे तो बलराम जी से लड़ने लगे और बलराम जी ने भाई सबको ही परम धाम में पहुंचा दिया और स्वयं जल समाधि ली। ये सब नारायण की कृपा से। जब शेष जी भी ऊपर चले गए तो भगवान ने भी जाना है, बहाना बनता है जी, बोलते हैं कि वो व्याद आया और भगवान के पैर पर तीर लगा। भगवान ने अपना जाने का बहाना तो बनाना ही था कोई ना कोई, पर लोग ये बोलते हैं जी वो वाली थे। मैं नहीं मानता, वाली तो भगवान के परम धाम में गए थे। बोलो राधे राधे। वो कुछ भी था बहाना था, भगवान ही शायद वो शिकारी बन करके आए, अपने आप को अपने आप ही बाहर मारा और ये दिखा दिया कि चाहे मैं भी धरती पर क्यों ना जन्म लूं मुझे भी जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा।
काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। ये परीक्षित, इसके बाद जब भगवान चले गए कुछ समय तक द्वापर युग रहा, उसके बाद तुरंत कलयुग ने प्रवेश किया। सुखदेव जी सुना रहे हैं, कलयुग जब आया तो सबसे पहले कलयुग ने आपको ही शाप दिलवाया कि सात दिनों में तुम्हारा, सात दिनों के बाद तुम्हारा राम नाम सत होगा और तुम कथा में बैठे। महाराज सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि आगे कलयुग का वर्णन आता है, कैसा कलयुग आएगा। तो कलयुग में मनुष्य का आयु यश कीर्ति बल ये धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। हे प्रिय परीक्षित, उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 10 से 16 साल रहेगी। कितने समय तक जीवित रहेगा? 10 से 16 साल तक ही जीवन रहेगा मनुष्य का। और 5 वर्ष की कन्याएं गर्भवती होंगी, संतान पैदा करेंगी। लोगों का कद ज्यादा से ज्यादा 2.5 फुट होगा मनुष्य का कद, इससे ऊंचा नहीं होगा, कम हो रहा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चला है, 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, अभी तो 4,32,000 वर्ष है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इत्थम कलौ गत प्राये जनेतु खर धर्मणी। घोर कलयुग में मनुष्यों का स्वभाव जब खर धर्मणी गधों जैसा हो जाएगा, तब भारत वर्ष में ही काल की प्रेरणा से संभल गांव के बीच में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में एक बालक पैदा होगा, उसका नाम कलिक विष्णु यशा होगा। यही भगवान का कलिक अवतार होगा और धर्मानुसार विजय प्राप्त करके कलिक भगवान जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और संपूर्ण जगत को आनंद देंगे। अब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त करने का आसान तरीका क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कलयुग का उद्देश्य यही है कि लोग उसके काल में पाखंड में ना फंसे। अगर कलयुग में मनुष्य भगवान का भजन सुमिरन करेगा तो कलयुग से बच जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उत्तरेहु पार। तो कलयुग के दोषों को मत सोचो, कलयुग के गुणों को सोचो। केवल आप यहाँ भागवत कथा सुनने से ही सब पापों से निवृत्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और जब पवित्र होकर के आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज, इसके बाद सुखदेव स्वामी जी ने विश्राम दिया अपनी कथा को, और वो जानते थे कि 7वां दिन संपूर्ण होने वाला है, तक्षक नाग ने डंक लगाना है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी जी ने पूर्ण आहुति डलवाई, यज्ञ को विराम दिया और महाराज सुखदेव स्वामी जी अवधूत वो वहां से चले गए। इतने में तक्षक नाग शाप के कारण आया, उन्होंने डंक लगाया। लेकिन देखो परीक्षित ने इससे पहले ही अपनी योग विद्या से, तपस्या से अपने प्राणों को शरीर से बाहर निकाला था और दिव्य विमान में बैठकर परीक्षित जी भगवान के परम धाम में पहुंच जाते हैं। और अकाल मृत्यु होने पर भी परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष आत्मा का नहीं होता, मोक्ष शरीर का नहीं होता, मोक्ष तो मन का होता है। और मन का राजा जो मन है ना, वो राजा इंद्रियों का। जब मन में वश में है, मन भगवान में है, तो आपको मोक्ष ही मोक्ष है। बोलो राधे राधे। यही कथा। इसके बाद सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना दी और अंतिम श्लोक कहा। भागवत का आरंभ उस श्लोक से हुआ था जो पहले दिन सुनाया था, जो भागवत को विराम दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। भागवत को संपूर्ण कोई नहीं कर सकता, हम भैया जितना हिम्मत हुई उतना ही सुना सकते हैं, हम उतने सुखदेव नहीं है, परम ज्ञानी नहीं है।
टूटी फूटी कथा जानते हैं, टूटे फूटे शब्दों में आपको सुना दी। अगर कथा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। बोलिए सच्चे दरबार की। और हमारी कथा को विराम के साथ संपूर्ण माने तथा हमारे यजमानों को, हमारे श्रोतागणों को इस कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए मैं भागवत का ये विराम वाला श्लोक अवश्य कहूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन सत्वम नमामि हरि प्रियम। जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश कर देता है, जिनको किए गया प्रणाम हमें बड़ी शांति प्रदान करता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान। Thank you.
Thank you.
तमेव बंधोच सखा तमेव तमेव विद्या तमेनां तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूर गारं कर्णावतारं संसार सारं कुलगे निवारं सदा प्रसन्नं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैवं नमः। बोलिए गणपति भगवान की, आदि शक्ति दुर्गा भवानी की, और ये पवन सुत हनुमान की, पौन हरिवा बालकनाथ की, अपने अपने कुलजा देवी की, अपने अपने कुल देवता की, बोलो श्री बिल्केश्वर महादेव की, बोलो शनिदेव भगवान की, बोलो पहाड़ी देवता की, बोलिए शंकर महादेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, मंडलांतर्गत पूजा अधिकारी सभी देवी देवताओं की, बोलिए आनंद कन सज्जानंद पार ब्रह्म श्रीमद भागवत भगवान की, धर्म की, पाप का, प्राणियों में, विश्व का, हरि कथा का, राधा कृष्ण नाम का, श्रीमद भागवत पुराण का, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।